नमस्ते हाय एंड वेलकम टू माय चैनल एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन वेलकम बैक. आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो. यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाली हूँ द बायोटिक माउंटेन एबनी है वाइटलाइजिंग सीरम का. ये रिव्यू मैं करने वाली हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ ऑफ यूज़. तो हम लोग सब जान लेंगे मेरे लिए क्या क्या इसने काम किया, क्या क्या नहीं किया और इसे कैसे यूज़ करना चाहिए जिससे आपको इसके बेनिफिट सबसे जल्दी मिले. हम ये भी जान लेंगे कि ये कैसे काम करता है हेयर फॉलिंग के लिए, हेयर थिनिंग के लिए और अगर आप चाहते हैं न्यू हेयर ग्रोथ तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए. तो चलिए बिना समय गवाए रिव्यू कर लेते हैं प्रोडक्ट का. रिव्यू की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेंगे हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग की. ये आता है इस तरह के टिपिकल बायोटिक पैकेजिंग की प्लास्टिक बॉटल में. काफ़ी स्टर्डी है, आप चाहें तो इसे कहीं कैरी कर सकते हैं. बात कर लेंगे इसके प्राइस की. ये आता है 120 ml का फॉर 185 रुपीज़ एंड इसके इंग्रेडिएंट्स है कचनार स्टेम, पुदीना ऑयल, कुशुम्बी ऑयल, नीम बार्क, पिपाली फ्रूट, मुलेठी स्टेम, पैन प्योरीफाइड वाटर. इस पैकेजिंग में मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि ये आता है इस तरह के डिस्पेंसर में जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाता है इसे यूज़ करना. अगर गोइंग बाय इट्स कंसिस्टेंसी, जैसे इसकी कंसिस्टेंसी है, अगर ये स्प्रे पैकेजिंग में आता या तो पंप डिस्पेंसर में आता तो ज़्यादा बेटर होता. इस तरह की पैकेजिंग है तो इसे आप एक बोल में पोर करके हमें इसे यूज़ करना पड़ता है. आप चाहें तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बट उससे प्रोडक्ट की वेस्टेज थोड़ी होती है. बात कर लेंगे बायोटिक माउंटेन एबनी है वाइटलाइजिंग सीरम की कंसिस्टेंसी की और इसे कंपेयर करेंगे मार्केट में मिलने वाले एक और नॉर्मल सीरम से. सो गाइस, जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक है हेयर वाइटलाइजिंग सीरम. मैं आपसे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है. ये सीरम जैसी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं है. ये बिल्कुल वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है और ये बना है आपके स्कैल्प के लिए. अगर आप चाहते हैं इसे मार्केट में मिलने वाले दूसरे सीरम्स जैसे कि ये मैट्रिक्स का बायोलाज है, अगर आप चाहते हैं इस बायोटिक के प्रोडक्ट को आप हेयर लेंथ पे यूज़ करेंगे तो आपको स्मूदनिंग इफेक्ट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये सीरम सिर्फ और सिर्फ आपके स्कैल्प के लिए बना हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटर लाइक है. वो इसलिए जिससे ये हमारे स्कैल्प पे जल्दी अब्सॉर्ब हो. मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बता दूंगी. सबसे पहले ये है हमारा मैट्रिक्स बायोलाज सीरम जो कि हम हेयर लेंथ पे यूज़ करते हैं. इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम रनी होती है और ये थोड़ा सा ऑयल लाइक लाइट ऑयल जैसा कंसिस्टेंसी होता है इसका और ये हमारे हेयर को स्मूदन करती है, स्मूदनिंग इफेक्ट लाती है हमारे बालों में. जबकि अगर हम इसे कंपेयर करेंगे हमारे बायोटिक माउंटेन एबनी हेयर वाइटलाइजिंग सीरम के साथ तो इसकी कंसिस्टेंसी पूरी पानी की तरह है गाइस. ये आप देख सकते हैं पूरा वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है ये और ये बना है सिर्फ हमारे स्कैल्प के लिए. अगर आप चाहें तो इसे अपने हेयर पे यूज़ कर सकते हैं पर उससे इसकी प्रोडक्ट की वेस्टेज ही होगी. बालों के लेंथ के लिए आई डोंट थिंक ये ज़्यादा काम करता है क्योंकि मैंने तो इसे बस स्कैल्प पे ही लगाया था जिससे इसकी वेस्टेज जितनी हो सके तो कम हो. अगर आप हेयर लेंथ पे लगाना चाहते हैं तो आप मार्केट में मिलने वाला कोई भी दूसरा सीरम यूज़ कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर ये सीरम आपके स्कैल्प के लिए बना है. चलते हैं एप्लीकेशन की ओर. अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपका स्कैल्प है बिल्कुल ड्राई क्योंकि ये प्रोडक्ट ड्राई स्कैल्प पे ज़्यादा इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है. मैं यहाँ पे इसे एक बोल में ले रही हूँ. आप चाहें तो इसे डायरेक्टली कॉटन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे. मैं इसे अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी मेरे हेयर की जो पार्टीशन है वहाँ से क्योंकि यही वो एरिया होता है जो वक्त के साथ बड़ा होता जाता है और हमारे बाल पतले होना यहीं से शुरू होते हैं. मैं इसे अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशंस पे अप्लाई करूँगी अपने स्कैल्प पे. इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कचनार. कचनार में होती है रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे न्यू हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है. जब हमारे स्कैल्प पे न्यू हेयर ग्रोथ होगी तो हमारी हेयर थिनिंग अपने आप रिड्यूस हो जाएगी. इस तरीके से इसे अप्लाई करने से हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छी होगी. नेक्स्ट जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है पुदीना. पुदीना अपने होने का एहसास लगाने के साथ ही साथ ही देगा, एक ठंडी सी अच्छी वाली फीलिंग आएगी आपके स्कैल्प पे. और इसमें है नीम बार्क जो कि हम सब जानते हैं होता है एंटीबैक्टीरियल. एंटीबैक्टीरियल होने के कारण हमारे स्कैल्प की इचीनेस को और फंगल इन्फेक्शंस को ये कम करता है. एक जो बोनस पॉइंट मैंने यहाँ पे नोटिस किया वो है कि मेरा डैंड्रफ भी ख़त्म हो गया इसे लगाने से और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है. इसे लगाने के बाद आपके स्कैल्प में ना एक क्लीन वाली फीलिंग आती है जो कि शैम्पू लगाने के बाद आती है, आपको अच्छी लगेगी. इसके रिजल्ट्स की ओर आप ये इमेज देख सकते हैं मेरा कुछ एक महीने पहले का और ये आज की मेरी पार्टीशन है और आप ये न्यू हेयर ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी न्यू हेयर ग्रोथ हुई है मेरे स्कैल्प पे इसे लगाने के बाद.
मैं कोई और प्रोडक्ट तो यूज़ कर नहीं रही थी, तो मैं सारा श्रेय इसी को दूंगी। आप इसे स्क्रीन पे आई होप देख सकते हैं, कितने छोटे छोटे बेबी हेयर्स आ चुके हैं मेरे स्कैल्प पे। दूसरा जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं, एक नेचुरल शाइन लाता है ये बालों में यूज़ करने के बाद। आपको ये 1 से 2 हफ्तों में ही पता चल जाएगा, और डार्क लगने लगेंगे आपके बाल पहले से, जैसे कि मेरे बाल भी आगे से बहुत ज़्यादा डार्क हुए हैं। और मेरे जो हेयर टेक्सचर है वो नेचुरली स्ट्रेट हेयर है मेरा, तो ज़्यादा थिक नहीं था पहले। इस सीरम को यूज़ करने के बाद मेरे जो एक एक हेयर स्ट्रैंड है उनमें भी थिकनेस आई है और वॉल्यूम आया है अच्छा सा। सो गाइज़, ये था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। आप कर सकते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा मेरा चैनल अब तक। अगर नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब का आइकन और दबाइए बस का बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आपके अगर कोई व्यूज़ है, सजेशंस है, या आप देखना चाहते हैं कोई नया प्रोडक्ट रिव्यू, तो वो भी आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।